بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Welcome back to my channel. You are watching Yummy Food with Bina Sheikh. चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो उसके साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत मज़े में हूँ। माशाल्लाह, रमज़ान का रोज़े काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इफ्तारी की स्पेशल मिल्क शेक जो डेट्स एंड चिक्कू से बनता है। जी हाँ, डेट और चिक्कू से काफ़ी बढ़िया और बहुत टेस्टी बनता है ये मिल्क शेक। आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो मुझे आपको मेरी रेसिपीज नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एंड स्टार्ट आवर रेसिपीज। चलिए अब रेसिपी करते हैं हम स्टार्ट। मैंने लिया है खजूर। आप खजूर कम से कम एक 6-7 यूज़ कीजिए। देन मैंने लिया है 1/2 kg जितना चिक्कू। चिक्कू को मैंने धो के उसका अलग स्किन निकाल के अलग से उसको निकाल के रखा हुआ है। खजूर भी इसको, चलिए इसकी खजूर की बीज निकालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है ब्लेंडर में और चीनी मैंने डाला है 2 tablespoons जितना। आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट के हिसाब से आप चीनी डाल दीजिए, क्योंकि खजूर भी मीठा होता है। देन ये जो हमारा चिक्कू है ये भी मीठा होता है। सो कभी कभार चिक्कू उसका सीजनल थोड़ा समथिंग टेस्ट के हिसाब से रहता है, तो शक्कर ज़्यादा कम आप देख के इसको डाल दीजिए। चलिए भी इसको मैं पहले ब्लेंड करके लेती हूँ। चलिए मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ डेट, खजूर और चीकू को मैंने ब्लेंड किया है। आप देख सकते हैं ये प्योरी बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। इसमें मिल्क ऐड करूंगी, ये 500 ml जितना है। इसको कर देंगे ब्लेंड, फिर से हम एक बार अच्छे से बीट कर देंगे। देख सकते हैं मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी खजूर की पीसेस या फिर चिक्कू का पीसेस नहीं है, टोटली ये ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं अब ये रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल और इजी है, आप कुछ भी जूसेस बना सकते हैं। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्मूदी टाइप हो चुका है। जूस हम सब बनाते हैं, मिल्क शेक सब हम बनाते हैं, बट ये जो वैरायटीज़ जो हम लोग मिक्स करके करते हैं इसके बारे में आपको बताना था, सो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो पोस्ट किया है। अब रमज़ान में माशाल्लाह हम लोग रोज़े रखते हैं, देन हर चीज़ नई वाली ट्राई करते हैं हम लोग, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये जूसेस लेके आई हूँ। अब हम थोड़ा सा पिस्ताशियोस ऐड करेंगे एज फॉर गार्निश। अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर आप छोटे छोटे पीसेस क्यूब्स बना के चिक्कू का आप डाल सकते हैं या फिर डेट्स का भी डाल सकते हैं। इसको मैं अब स्मॉल पीस एक चिक्कू का इसलिए मैं रखा हुआ है, इसको इस तरह से मैं गार्निश करूँगी। आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं मेरा चिकू और डेट मिल्क शेक बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, आप देख सकते हैं। सिंपल और इजी मेथड में आप बनाइए घर पे, रमज़ान इफ्तारी में आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप मुझे मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार हो या फिर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हुई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। देन साइड में जो कमेंट और लाइक बटन है, इसको भी क्लिक करना ना भूलिए। चलिए अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।